तो जैसे कि मैंने कहा था कि असाइनमेंट के ऊपर मैं एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट के ऊपर मैंने तो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कॉलेज का असाइनमेंट हैंड रिटन नोट्स में कैसे बना सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो और इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट्स मिलता होगा, PPT मिलता होगा और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। और अगर आप नेट से डाउनलोड करते हो तो सबको एक ही चीज़ डाउनलोड कर लेगा। फिर उसमें क्या है कि अगर आप बनाते हो तो सबको जो नेट से ही कॉपी कर रहा है तो सबका स्टेटमेंट, सबका पैराग्राफ, सब चीज़ सेम हो जाएगा। तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊँगा और आपको कूल टेम्पलेट्स बताऊँगा जिसमें आप यूज़ करोगे तो आपके टीचर्स भी खुश हो जाएंगे और आपके दोस्त बोले भाई तूने कैसे किया मुझे बता दे। तो चलो एक वेबसाइट बताता हूँ कैसे करना। एक वेबसाइट का नाम है slidescarbonal.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट में क्या है कि आप कैनवास नाम सुने होंगे जहाँ पे आप टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करके बहुत एक्साइटिंग PPT या फिर पोस्ट फोटोज़ अपना टेम्पलेट्स की तरह बना सकते हो। उसी टाइप का आप slidescarbonal.com है, यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट्स फ्री मिलते हैं PPT के, यहाँ पे बना सकते हो। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को तो बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि उनको ये वीडियो, मतलब ये चीज़ चाहिए था उनको क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो कितने सारे टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे टेम्पलेट्स का कोई कमी ही नहीं है। यहाँ पे इजीली आप बहुत सारे टेम्पलेट्स देख सकते हो कि सारा टेम्पलेट्स अवेलेबल है किसी भी सेक्शन में। जैसे मैं भी एडुकेशन सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, आपको बस इसमें बस एड्स दिखेंगे आपको कहीं कहीं, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे किसी भी तरह का टेम्पलेट उठा लो, आपका कुछ यूनिक कंटेंट बन जाएगा जो टीचर्स भी बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो आपने बता दिया, बट आप मान लो कि मुझे कंटेंट तो मैं इंटरनेट से गूगल से ही कॉपी करूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको मैं यूनिक कैसे बनाऊँ, उतना टाइम नहीं है कि मैं खुद से लिख सकूँ या फिर उतना टाइम नहीं मेरे पास। तो सिंपली मैं एक वेबसाइट और बता रहा हूँ, preposteseo.com, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे आपको या आर्टिकल रीराइटर पे जाना है, और भी बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप आर्टिकल रीराइट कर सकते हो। तो आप यह, मैं सिंपल ये बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो ओरिजिनल कंटेंट और पेरेज कंटेंट। अब जैसे मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, ठीक है, व्हाट इज क्या लिख दो, शॉर्ट एसे ऑन COVID-19, ठीक है, जैसा जैसे मैं मिल रहा था मैंने वही टाइप कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पर जाता हूँ, अब जैसे आपको इस पे टॉपिक मिला है तो PPT या फोटोज वगैरह डाउनलोड करो, और PPT का जो टेम्पलेट मैं बताया हूँ जो slidescarbonal, आप वहाँ जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो बहुत कोई तो यही कॉपी करेंगे जिसको भी फर्स्ट बार में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबको कॉपी कर लेगा तो टीचर तो समझ जाएगा कि सबको एक ही चीज़ कॉपी किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट कॉपी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको फिर मैं जाता हूँ preposteseo.com। यहाँ पे जाने के बाद मैं ओरिजिनल कंटेंट पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया कंटेंट को पूरा, अब यहाँ पे देखो रीराइट आर्टिकल का एक बटन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको टैप कर देना है, यह आर्टिकल आपका रीराइट हो जाएगा। मतलब मीनिंग सेम रहेगा, बस आर्टिकल का लैंग्वेज बदल जाएगा, वो कोई बता नहीं पाएगा कि ये सेम है, मतलब कॉपी पेस्ट है। देख सकते हो यहाँ पे इसने बताया भी किस किस लैंग्वेज, किस किस वर्ड को इसने चेंज किया है, और डिटेल में आपको सब चीज़ बता दिया, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। इस तरह से आपका कंटेंट यूनिक भी हो जाएगा और टीचर्स भी बोलेंगे भा भाई क्या बनाया तुमने। तो आप देख सकते हो। तो बस वीडियो में इतनी, जल्दी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और हाँ, एक चीज़ और छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जो मैंने जहाँ पे मैं एक्साइटिंग डेली टेक न्यूज़ डालता हूँ और आप लोगों के लिए रहता है, तो आप जाके जल्दी फॉलो कर लो वहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस के लिए फॉलो करो, वहाँ पे आपको ज़रूर वहाँ कुछ ना कुछ आपको वैल्यूबल कंटेंट मिल रहा है जिसके लिए आप फॉलो कर सकते हो। तो बस यार, वीडियो में था, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मैं फिर मिलता हूँ न्यू एक्साइटिंग वीडियो, तक गुड बाय, जय हिंद। The shit is real.